जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ खेल की एक और नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम किस तरीके से बनाएंगे ये हम वीडियो में ही देखेंगे। और रेसिपी अगर आपको भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी न भूलें। और बहुत जल्दी से अपनी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट नमकीन बनाना शुरू करते हैं। खील से एक और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कप खील। और सबसे पहले खीलों को अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो धान होती है वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और खीर को साफ करने के बाद में गैस ऑन करके उसके ऊपर एक भारी पहले की कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और कढ़ाई में डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितना बटर। और बटर के मेल्ट होने से पहले ही हम उसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। और ये साफ करी हुई खीर डाल देंगे, इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे खीर थोड़ी सी कुरकुरी हो जाएगी। और 2 से 3 मिनट तक मैंने खीलों को अच्छे से भून लिया है। अगर आप बटर नहीं खाना चाहते या आप डाइट कॉन्शियस हैं, तो आप बिना बटर के भी इन्हें इसी तरीके से रोस्ट कर सकते हैं। और ये एकदम करारी खीर को मैंने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। और देखिए खीर कितनी ज्यादा करारी हो गई है। और इसमें हम डाल देंगे 1 बिल्कुल छोटा सा प्याज जिसे एकदम बारीक काटा हुआ है, 1/4 खीरा यानी 1/4 पार्ट मैंने खीरे का ले लिया है वो भी डाल देते हैं, और उसे भी एकदम बारीक काटा है, बिल्कुल छोटे साइज का 1 टमाटर वो भी डाल देते हैं, 1/2 मैंने लिया है उबला हुआ आलू जिसे बहुत छोटा छोटा काटा हुआ है। इसमें आप जितनी अच्छी और बारीक सब्जियां काट सकें उतना अच्छा है। ये ली है मैंने 1 टेबल स्पून मीठी चटनी, इसे भी डाल देते हैं। और अगर आपके पास मीठी चटनी नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी या बूरा डाल सकते हैं। बूरे को बहुत सी जगह तगार कहा जाता है और बहुत सी जगह कंद कहा जाता है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। नमक डालते हुए आप याद रखें कि हमने जो मीठी चटनी डाली है उसमें भी नमक है। 1 टेबल स्पून हरे धनिये की चटनी वो भी डाल देते हैं। और ये मैंने लिए हैं बारीक वाले सेब, आपके पास जो भी नमकीन हो आप डाल सकते हैं, वो भी डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, 1/2 टीस्पून डाल देते हैं चाट मसाला। बहुत ज्यादा मसालों की इसमें हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से मसालों से ही हमारी ये जो मूढ़ी है बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। उसके बाद एक प्लेट लेंगे, कवर कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में हम इसमें वेट नहीं कर सकते, वरना जो हमने इसमें खील डाली है वो सील जाएगी और फिर खाने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। कुछ सेकंड अच्छे से मिक्स करने के बाद में, और देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही बची हुई खील से ये बहुत ही टेस्टी हमारा झालमुड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अचार का सरसों का तेल डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, पर मैं आज उसे नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैं इसे ऐसे ही सर्व करने वाली हूँ। इसे आप शाम को जब हल्की फुल्की भूख होती है आप इसे सर्व कर सकते हैं, या दोपहर में भी बना सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, बच्चे और बड़े दोनों को पसंद आती है। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी ये नमकीन बनकर तैयार है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। थैंक यू।